हेलो जी, राम राम। और मैं बना रही हूँ आज चौमिन। और चौमिन को मैंने पहले गर्म पानी में अच्छे से उबाल लिया था। पहले गर्म पानी डाल के और उस पानी को उबाल के उसमें नमक डाल के और फिर बाद में चौमिन डाली थी और इसको अच्छे से उबाल लिया था। और अब इसको उबाल के छान लिया है मैंने। अब मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें डाल लिया तेल। तेल को गर्म कर लिया है। तेल हमारा गरम हो गया है। इसमें मैंने डाल दिया लहसुन और हरी मिर्च। इसको थोड़ा सा पका लेंगे। एक दो मिनट के लिए पका लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मैं डालती हूँ इसमें प्याज। प्याज को भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज हमारे 2 मिनट के लिए थोड़े से भून गए हैं, ज्यादा नहीं पकाने हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं शिमला मिर्च और पत्ता गोभी और गाजर। मैंने एक गाजर डाली है यहाँ पे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा पक जाएंगे, कच्चापन निकल जाए। हमारी सब्जियों का कच्चापन निकल गया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चौमिन। गैस को हम अपनी तेज ही रखेंगे, कम नहीं करेंगे। और अब इसमें डालती हूँ मैं नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना। थोड़ी सी लाल मिर्च और चौमिन मोमोज वगैरह हम जो ये जो भी चीजें बनाते हैं इनमें एक चीज डलती है, अजीनोमोटो। इससे ही धार वाला स्वाद आता है। और इसमें डाल दिया थोड़ा सा विनेगर। और ये डाल दिया मैंने सोया सॉस और रेड चिली सॉस। और अब इसको अच्छे से मिला देंगे। और ये हमारी चौमिन 2 मिनट में तैयार है। ये देखिए, बिल्कुल बाजार जैसी बनी है। और ये हमारी चौमिन तैयार है। और मैं इसको एक बाउल में डाल लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और ये सारी चौमिन मैंने बाउल के अंदर डाल ली है। 5 मिनट में चौमिन बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी बताएं कि कैसी लगी। और ये हमारे चौमिन तैयार है।